विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले ही सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा एक बार फिर से चर्चा में हैं। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप लग रहे थे कि जांच कर रही एसआईटी ने जब इस पूरे मामले में धाराओं को बदलने की बात की तो एक बार फिर से मामले ने तुल पकड़ लिया है। वहीं उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कांड में आरोपी बनाए गए आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया है। टेनी पर पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। दरअसल अजय मिश्रा टेनी आज लखीमपुर के आयोल में मदर चाइल्ड केयर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। उसी दौरान पत्रकारों ने जब टेनी से उनके बेटे के बारे में पूछा तो वह भड़क गए और अपशब्द बोलने लगे। उन्होंने मर्यादा लांघते हुए कहा कि सब पत्रकार चोर हैं, तुम लोग ने एक निर्दोष को फंसा दिया है। अजय मिश्रा को तलब किए जाने के बाद दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों का कहना है कि अजय मिश्रा से बीजेपी इस्तीफा ले सकती है। कल अजय मिश्रा मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। विपक्ष भी लगातार अजय मिश्रा पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहा है। अजय टेनी को आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने को कहा गया है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी पहले से ही लखीमपुर मामले में बैकफुट पर है। बीजेपी चुनाव से पहले कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती है। ऐसे में अजय मिश्रा के इस्तीफे की संभावनाएं हो गई हैं।